बहुत सारा धमाल हुआ है और किस प्रकार की मस्ती और क्या धमाल हुआ है ये आपको स्टार गिल्ड अवार्ड्स आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैं क्या बनी हूँ और क्या बन के मैं क्या कर रही हूँ, ये सब आप एक बार अवार्ड्स देखें तभी आप जान पाएंगे। पलक से एक सवाल है मेरा, सवाल पलक नहीं बोलेगी आज। अच्छा तो आप जिस गेटअप में वो चाहूंगा कि आप जो बने हाँ तो उसके बारे में बताइए कि जैसे इंडस्ट्री में हम देखते हैं कई सारे लोग कॉस्मेटिक करते हैं, आपको क्या लगता है उनसे कॉस्मेटिक करने के बाद उन्हें फायदा होता भी है, आप किस तरह से देखते हैं सारी चीजें? कॉस्मेटिक यानी कि कॉस्मेटिक सर्जरी करके अपनी जो अपीयरेंस को चेंज करते हैं जरा, देखिए उससे कोई भी अगर किसी प्रकार की सर्जरी करा के अपने आप को चेंज करता है तो मेरे हिसाब से पर्सनली ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो सर्जरीज होती हैं वो काफ़ी सेफ हैं, उनमें कोई ऐसा लार्जली ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते, और अगर नहीं होते हैं तो वो अपनी अपीयरेंस को ज़रा सा चेंज करके कोई जो चीज़ ज़रा सा, अब जैसे हम कपड़े सिलवाते हैं, कपड़े सिलवा में ज़रा सा भी अगर डिफेक्ट होता है अगर हम उसे रेक्टिफाई करा सकते हैं कि आपकी एक फिटिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती है तो आप क्यों नहीं कराएंगे? थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर वो लोग खर्चा करने को तैयार हैं और वो करके अपने शरीर में कुछ चीज़ें ज़रा सी चेंज करते हैं, ये कहना अच्छी बात है कि भाई नेचुरल ऊपर वाले ने जैसे भेजा है वो अच्छी बात है, आप वैसे रहें तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस और आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है और आपका कॉन्फिडेंस बेटर होता है ज़रा सा वो अपीयरेंस में चेंज करके तो कीजिए, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा काफ़ी सुपरस्टार से कीको मिली है, तो सबसे ज़्यादा प्यार कीको को किस पे आया है आज? इंडस्ट्री के बैचलर्स आए हैं, एलिजिबल बैचलर्स। जी हाँ, तो सबसे जोशीले बैचलर्स जिससे आज मुलाकात हुई है वो हैं रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर, जो कि बहुत ही एक ग्रुप में गुंडागर्दी करते हुए एंटर किए। हाँ, उन्होंने घेर लिया मुझे, और क्योंकि मैंने गुंडे के बारे में ही उनसे पूछा तो उन्होंने काफ़ी गुंडागर्दी और बढ़ा के की, तो वो काफ़ी ही बॉयस्ट्रस बॉयज़ हैं और उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही मिलनसार भी हैं, साथ में बहुत फन एक्टिविटीज़ हुई उनके साथ, तो बड़ा मज़ा आया उन दोनों के साथ इंटरेक्ट करके। लेकिन एलिजिबल बैचलर तो वैसे इंडस्ट्री का सलमान को मानते हैं अभी तक तो। वो तो खैर हैं ही, और सलमान से कुछ दिनों पहले अभी मुलाकात हुई थी नजबलिए में भी, और वो बहुत ही मतलब स्वीट, और मतलब मुझे इतना नहीं पता था लेकिन अब उनको जान के पता चल रहा है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही, तो उनसे उनको भी हमने आज डांस स्टेप सिखाए, तो आप देखेंगे जब आप लवर्स देखेंगे उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग सा ब्रेक डांसिंग सिखाई है जो एक जमाए पुराने टाइम में हुआ करती थी, लेकिन उन्हें वो ब्रेक डांसिंग बहुत पसंद है तो वो मैंने उनको आज सिखाई और वो काफ़ी अच्छी तरह उसे सीख कर भी गए, और आप देखिएगा ज़रूर स्टार गिल्ड अवार्ड्स में, आप पता चलेगा। हेलो, हाय श्रद्धा। हेलो हेलो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द स्टार? आई वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग इनसाइड, सो आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट arrivals. I came here at, no worries, I came here at 4:35. It's my first ever award function performance that I did, so obviously it might be had, songs. Of course, yeah. I danced on my songs, and very proudly so, because I'm a part of a film which has not only created history in terms of the kind of movie that it's been, but it's been the music of the film has been historic as well. So for me to, and my movie is nominated for so many categories, it's amazing. Absolutely. What are you looking forward to? Now you're going back after the performance. Salman is hosting the show. So what are you looking forward to tonight? Well,
looking forward to an entertaining evening and some really nice performances. Looking forward to some energetic performances because I really enjoy watching those. We are not seeing Aditya accompanying you anywhere because Ashiqui too, he's not rooting for the film. Where is he? I think he's shooting. Okay. He's shooting for his next film. So that's probably why he's not here. Okay. 2014, how is the year going to pan out for you? If you could just give us a little... So I have two films releasing this year. Villain and Heather. Really looking forward to both of them. I get to work with Mohit Suri again. And I get to work with Vishal Bharadwaj, which is amazing. So really looking forward to them. श्रद्धा, एक सवाल है मेरा आपसे. हाँ जी. जैसे बॉलीवुड में हम देखते हैं कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो सारी चीज़ें करवाने से उनको फ़ायदा है, इस बारे में आप क्या? मुझे लगता है कि वो एक पर्सनल चॉइस है डेफिनेटली, एंड सो लॉन्ग एज समबडी इज हैप्पी एंड एंजॉयिंग व्हाट दे डू, इट्स अ पर्सनल जर्नी. थैंक यू, गुड नाइट. अरे तुम्हारा ब्लेड नहीं पूछा. अरे राहुल 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 Sorry, I'm coming straight from work, so I don't know who I'm performing, but I'm sure it'll be fun. It's a star who produces a lot, so it's our duty to be here. And I like this venue. I think it's one of the finer venues in the country, so it'll be more interesting, and hopefully we'll catch something a little late. Expecting an award today, Shahrukh? Shahrukh, ek sawal hai aapke. You did good, otherwise it'll work harder. Shahrukh, ek sawal hai aapse. Har saal aapko award milte hi milte hain. अभी इतने अवार्ड हुए हैं कि हर किसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं अवार्ड मिल जाता है. टू मेनी अवार्ड फंक्शंस नाउ यार, सो देयर इज नो टारगेट लाइक दैट. यू जस्ट वर्क हार्ड. आई एम फॉर्चुनेट दिस ईयर टू हैव डन चेन्नई एक्सप्रेस विद रोहित एंड थिंग्स हैव टर्नड आउट वेल, सो आई यू डोंट प्लान इट दिस ईयर. बट शाहरुख सलमान इज नोन फॉर हिज होस्टिंग स्टाइल, सो समथिंग ऑन दैट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. डू यू थिंक आई विल कमेंट टू दैट? Thank you. Bless you all. Rohit.